अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आज के हमारे ब्लॉग में जिसमें हमारे भाई बड़े टेंशन होके बैठे हुए हैं, चश्मे लगाए हुए हैं। भाई ने आज क्या रही है भाई साहब? धूप बहुत ज्यादा है। हाँ, आज धूप बहुत ज्यादा, गर्मी होगी यहाँ पर। और आज हम लोग जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता है, चार वीडियो होगी ना हमारे खाने की, चार होगी, ये पांचवी। हाँ, चार वीडियो होगी हमारी खाने की, पांचवी वीडियो, और तीन और बाकी है। तो मतलब तीन और रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम लोग जाके खाना खाना है। अभी उससे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो जाके जरूर चेक करें। आज हम लोग जाने वाले हैं कहाँ? फ्रिजुएला। हाँ, और वहाँ पे एक और सीन है, क्वेत का, आई थिंक ये पहला नहीं, ये दूसरा है, दूसरा कार डाइनिंग रेस्टोरेंट इन क्वेत है, जो क्या है, कार पे बैठ के खाना खाओ। हाँ, कार में हमारे यहाँ पे टेबल लगेगा, सारा टेबल लगाएंगे, सर्व करेंगे कार में सब चीज, जैसे नॉर्मल रेस्टोरेंट्स पे डाइनिंग पे क्या होता है, बिल्कुल वो हर चीज कार में होगी। हाँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर, हमारी कार पे टेबल लगेगा, अंदर बाहर नहीं, अंदर लगेगा, एसी ऑन हो गया, वहाँ पे बैठ के हम लोग खाएंगे, चिल मॉल में मजे करेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर, और फिर जाके हम लोग चेक करते हैं कि वहाँ पर कितना रश होगा, क्योंकि आज जुमा है, छुट्टी है, और रश फुल ऑन है, आगे रश होना वहाँ पर। तो अभी हम चलते हैं वहाँ पर, और आज हमारी लुक जरा भाई बड़े टेंशन होके आए हैं। मैं ऐसे सो के उठ के नहा के बाल सेट करके आ गया, बाकी मैं कौन सा कुछ करके आया। हाँ, इसने भी शेव नहीं करवाई, हमारी शेव होने वाली है अभी ना, तो अभी शायद अगले हफ्ते या अगले हफ्ते करेंगे, अगले हफ्ते शायद हम शेव का कुछ करें, कुछ अलग। तो चलें, चलते हैं रेस्टोरेंट पे, और फिर वहां पर होती है हमारी आपसे मुलाकात। तो जनाब, हम लोग रेस्टोरेंट में आ चुके हैं, और जहाँ तक बात है हमारी डाइनिंग की, तो हम लोग ने टेबल पे बैठ चुके हैं, हमारा खाना भी आ चुका है, जो कि आप लोगों को दिखा दिया। हम लोगों ने आज एक ही डिश की है ऑर्डर, जो कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसका नाम है बीफ है, मटन होता है ये, मटन, ओके, मटन के चावल, मतलब मटन पुलाव कह लो, है ना। तो अभी हम लोग ये खाएंगे और फिर आपको बताएंगे ये कैसा है, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा लगा हुआ, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, और जगह कम है खाने के लिए, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी करेंगे, क्योंकि ठंडी ना हो जाए, ठंडी का मज़ा नहीं आएगा। तो चलो निज़ाम भाई, स्टार्ट करते हैं पहले। ऐसे खाना आज से ही खा लेंगे यार, बाद में धो लेंगे, बाद में धो लेंगे, किधर कोई टेंशन, क्या करें, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग है कि हाथ से खाने वाले। तो ये देखिए जनाब, गोश्त है, कैसे टूटा है, सुकून के साथ, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से तोड़ा है, और ज़बरदस्त तरीके से मज़ा भी आ रहा है जनाब। पहले तो हम हड्डी का दिए गोश्त, ओहो हो, मज़े वाला, इनका गोश्त का ना अपना मजा है, ये रखना कि नीचे नीचे रखो यार, चंद टिश्यू डाल के ना, यस, टिश्यू डाल के ना, टिश्यू डाल दो। चलो जनाब, पहले गोश्त खाया जाए। चलो निज़ाम भाई, गोश्त खाओ पहले, ऐसे देखो तोड़ो कैसे, इतने प्यार से, बहुत सॉफ्ट है, बहुत टेंडर है अभी, आ जाएं खा लें आपने खाना, तो हम तो खाएंगे, सब आ जाओ, बहुत ही ज़बरदस्त यार, बहुत ही मज़े वाला गोश्त। एक्चुअली हम ये कितनी बार खा चुके हैं अभी तक, बोल नहीं सकते, अनलिमिटेड टाइम खा चुके हैं, और हमें फिर भी नया ही मज़ा आता है हमारा। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं कि इन्होंने डाइनिंग टेबल लगाया, अभी आपको इसके बाद ना गाड़ियाँ दिखाएंगे, यहाँ पे आजू बाजू में सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं जो कि ये खा रहे हैं, और ये मोस्टली चावल होते हैं, साथ में इसके तकूस होता है, ओहो, टमाटर का सालन होता है, इसको ऐसे ऊपर फेंको, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है, उसकी वजह क्या है कि जगह नहीं है अभी कैमरे रखने के लिए, जहाँ पर रखा हुआ, बड़ी मुश्किल से रखा हुआ, तो बंद ना हो जाए, तो इसलिए हम अभी खाना खा लेते हैं, फिर आपको सारी स्टोरी इसके बाद बताएंगे, आपको बता दिए, तो मिलते हैं फिर आगे, आगे मिलते हैं। हाँ, खाना खा लें पहले, बोल तो लग चुके हैं जनाब। ये सारी गाड़ियाँ जितनी भी यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, ये हो गई, ये साइड पे हो गई, और ये आगे, ये आगे हो गई सामने, ये सारी डाइनिंग के लिए हैं, ठीक है, ये देख लो, अबे ऊपर चढ़ाएगा बाबा, बेटा, बेटी, आंटी, गाड़ी उधर कर, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर जनाब गाड़ीगुरी पे खाना खाने आए हुए हैं। ओके, तो हम लोगों ने खा लिया खाना, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, अभी कहीं पर जाके बैठ के वहाँ पर बात करेंगे। और सीन क्या है कि ज़्यादा हम लोग उस खाने की वीडियो क्यों नहीं बना पाए, कि
जब हम लोग बैठे, सारी बात हमारे निजाम भाई का माशाल्लाह साइज वैसा है कि हम लोग आगे तो बैठे नहीं, आगे स्टेयरिंग था तो टेबल सही लगा नहीं, तो हम लोगों को पीछे ट्रांसफर होना पड़ा। अब कैमरा सेट करने की जगह नहीं थी, तो इसलिए हम लोगों ने जितनी वीडियो दिखाई है उतनी ही काफी होगी। भूख आपको अगर लगी होगी तो खा लीजिएगा। और वैसे भी लोग कहते हैं हमारी वीडियो में कि हमें जनाब आपकी वीडियो देख के भूख लग जाती है, तो क्या कर सकते हैं, अभी कोई बात नहीं, भूख लगती है तो थोड़ी देर बर्दाश्त कर ले, बर्दाश्त सही का बर्दाश्त सही है। कैसा लगा खाना? तो अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं पर जाके खड़े बैठते हैं और वहां पर जाके आपसे फिर बाकी बातें करते हैं कि खाने को कितने नंबर दिए जाए, ठीक है? सही है। सर्विस को कितने नंबर दिए जाए ये भी काउंट करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि खाना तो हम लोगों ने वो पहले खाया हुआ, हमें पता वो कैसा है, हम तो उसको नंबर अच्छे ही देंगे, लेकिन हम लोगों को देखना कि उसकी सर्विस कैसी थी, कार डाइनिंग सर्विस कैसी थी कुवैत में, वो देखेंगे। तो चले जनाब पहुंचते हैं जगह पे, समुद्र पे जाना कहीं पर, ठीक है? तो वहां पर जाके वीडियो बनाते हैं, मिलते हैं फिर आगे। की काबिल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, कई बार भी ना सुन ले, बोलेंगे भाई किसको दिल लगाने की, एक में ही तो है। तो जनाब खाना हम लोगों ने खा लिया था, जैसे कि आप सबको पता जगह बहुत मुश्किल मिली है, जिस जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं ना, वो अगर आपको दिखा दें तो आप कहेंगे ये कहाँ पर बैठे हुए, क्या हो रहा है यहाँ पर। एक्चुअली हम लोग जब चिल मॉल में होते हैं ना, जब मजा कर रहे होते हैं, तो हम लोग ऐसी जगहों पे आ जाते हैं, आपको दिखा देते हैं, अगर कुछ नजर आ गया तो। नहीं आ रहा नजर, कुछ नहीं आएगा नजर, बाद में दिखाते हैं। तो हम लोग आपको बाद में दिखाएंगे, कुछ इश्यू हो रहा है जिसकी वजह से नहीं दिखा सकते। ओके जनाब, तो खाने की बात की जाए, निजाम भाई खाने के नंबर तो मुझे पता कि आपने आज कितने देने हैं, क्योंकि हम लोग पहली बार तो वो खाई नहीं, हम लोग पहले भी खा चुके हैं बहुत, तो हमें पता है कि उसको नंबर कैसे दिए जाएं। जी ठीक है, तो नंबर की आज बात नहीं करेंगे, मैं खाने के नंबरों को नहीं गिनूंगा आज, आज उनकी सर्विस को देंगे। ठीक है, सर्विस कैसी लगी आपको? एक तो कार डाइनिंग था, कार डाइनिंग आपने देख लिया, आपको थोड़ा सा मैंने दिखा दिया, क्योंकि हम लोग ऐसे ही बना सकते थे, खाना भी खाना था, जगह नहीं थी, कैमरा कहाँ पर रखे, यहाँ पर देखे कैमरा सामने है, सीट जितनी पीछे हो सकती थी कर ली, लेकिन ये बीच में हमारा बेचारा स्टेयरिंग आ गया, तो इसलिए वहां पर सामने नहीं रख के बना सके। ओके निजाम भाई, खाने को तो नंबर हो गए, सर्विस को कितने नंबर दोगे? कार डाइनिंग सर्विस इन, क्या नाम है रेस्टोरेंट का? फ्रिज वेला। हाँ, उसके खाने की तो नंबर है, बनते हैं क्योंकि वो बेस्ट है, तो वो बेस्ट ही है। सर्विस का नंबर दो आप तो। ठीक है ओके, चलो निजाम भाई फिर बाद में देते हैं, पहले मैं सर्विस की बात करूं। सर्विस चलो ठीक है, कार डाइनिंग एक बहुत ही कहते हैं यूनिक सिस्टम लेके आए हैं, ठीक है, जो कि कुवैत में शायद ये दूसरा रेस्टोरेंट है, मुझे तो पहले लगा, मैंने तो पहले ही खाया या पहला ही देखा है। निजाम भाई के मुताबिक ये दूसरी डाइनिंग सर्विस है कार में। तो जनाब यहाँ पर बात की है सर्विस, सर्विस अच्छी थी ओवरऑल, क्योंकि अगर हम लोग जाएं वहां पर टेबल पे, उन टेबल खाते तो उसकी सर्विस वाकई में कमाल थी। इसमें थोड़ा ये था कि यार कंफर्टेबल नहीं हो रहा था बंदा, पता नहीं। चलो ठीक है, कोरोना के दिनों में सारी बात है, कोरोना तो अंदर डाइनिंग सब कुछ बंद है, लॉकडाउन हो चुका हर चीज, तो हम लोग बाहर घूम भी नहीं सकते, किधर कुछ कर भी नहीं सकते, तो इसलिए उन्होंने कार डाइनिंग खोल दी कि चलो यार जो लोग हमसे आगे सर्विस लेना चाहते, लेकिन वो सर्विस इनको वैसे ही रखनी चाहिए थी जैसे उन टेबल होती थी। सही, मुझे वो कुछ अच्छी नहीं लगी, तो इसलिए सर्विस को मैं 10 में से 7 दूंगा, बस और कुछ नहीं। क्योंकि कितनी देर हम लोगों ने इंतजार किया बंदे को बुलाने के बाद, बहुत हम लोगों को, हम लोगों ने खाना खा लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद हम लोगों का खाना मस्त है, इनकी खाने की जो सर्विस है वो भी अच्छी है, खाने तक सर्विस अच्छी थी। गंदा क्या है, बंदे को बुला रहे बंदा आ ही नहीं रहा। हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया, रखा, खा लिया, सब कुछ हो गया, स्टार्टिंग तब तक सर्विस अच्छी थी, खाने के बाद सर्विस उन्होंने, हम लोगों ने बुलाया उसको, बंदे को बोलता आ रहे हैं, चलो यार तुम लोगों ने वो अगर सर्विस रखी हो तो कार के लिए, उनके पास बंदे भी एक दो नहीं थे, बंदे भी बहुत ज्यादा थे, ठीक है, तो इसलिए चलो उनको ये होना चाहिए कि बंदे ने बुलाया तो 10 लगे उस बंदे को आने में, जब मैं ज्यादा ही लगे अली, अंदर जाके हाथ धोके सब कुछ कर, हाथ धोके मैं वापस आ गया, निजाम भाई वहीं पर बैठे हुए थे, बंदा नहीं आया, 15 हो गए फिर, हाँ 10-15 लगे उस बंदे को आने में वापस, और फिर हम लोगों ने चेकआउट मंगवाया, उसे बोला बिल कितना हुआ, तो बिल लेके आया, बिल के आने में भी टाइम लगा 10-15, वो भी 10 यानी आधा घंटा हम लोगों ने सिर्फ बिल को और देने में ही इंतजार किया, तो इसलिए मैं उसके नंबर इसलिए ये कम हो गए। डाइनिंग में अलग चक्कर था, जो कि ऑन टेबल होता था वो अलग हिसाब था, तो मैंने 7 दिए। अब निजाम भाई बताते हैं, सेम है, सेम है,
पका सेम है, भले और नीचे कर दे कोई टेंशन आधा घंटा वेट करवाया है। यूनिक आइडिया था वो, मुझे अच्छा लगा, लेकिन सर्विस सिर्फ इसलिए मुझे कुछ गलत लगी। सही है, बाकी उसके अलावा अच्छा था। खाने का तो कमाल ही हो गया, मुझे अभी भी डकार आ रही है भाई। खाना तो खाना है उनका, ऊपर से नो स्पॉन्सरशिप, ठीक है, ऑलवेज अ ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक, मैं कवर कर लिया कि कौन है ब्रांड आपको ना पता चले, ठीक है, अलाउ नहीं। कोका कोला नहीं है, इतना मैं बता दूं, कोका कोला नहीं है, हम कोका कोला नहीं पीते, ला लिया लेकिन कोका कोला नहीं है, ये मैं पहले बता दूं, कोका कोला नहीं पीते, ठीक है। उसके अलावा मजे वाला था खाना, आज मजा आया, आई होप कि आपको एंजॉय किया होगा। अभी हम लोग जहाँ पे बैठे हैं इसका मैं थोड़ा व्यू ले लूंगा तो आपको दिखा दूंगा वो एंड में, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो में। चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और अपना प्यार हमें देते रहो। बस मैंने बोल दिया, निजाम भाई ने बोल दिया तो मैंने बोल दिया, सीधी बात। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, लव यू गाइस, टेक केयर, लव यू।